अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल की नई नोटिफिकेशंस और अपडेट जानने के लिए रेड बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इब्राज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चिकन। अफ़गानी चिकन बहुत ही डिलीशियस डिश है। आइए तो हम देखते हैं इसे बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन, जो कि हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है, और हमें इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में हमें इसमें क्या क्या चाहिए, आइए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च हमने इसमें 4 ली है, प्याज 1 मीडियम साइज लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच लिया है। और हमें चाहिए दही 1 कप, जिसे हमने अच्छे से चम्मच से फेंट लिया है, या फिर आप इसे ग्राइंडर में भी अच्छी तरीके से फेर सकते हैं। फ्रेंड्स, दही खट्टा ना हो। और हमें मैरिनेशन में चाहिए 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे हमने तवे पर हल्की आंच पे भून लिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, इसे हम ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे। ग्रेवी में हमें चाहिए क्रीम, हम घर की बनाई हुई मलाई भी ले सकते हैं, हमने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है 1 कप। 1 कप दही, दोनों इक्वल अमाउंट में लेना है ग्रेवी बनाते टाइम। बटर हमने दोनों के लिए लिया है, ग्रेवी और मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन में हमें 2 चम्मच लेना है और घी हमने लिया है 3 चम्मच। आइए तो हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। अब हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कप दही लिया था फिटा हुआ, वो हम ऐड कर लेते हैं। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हम ऐड करेंगे इसमें अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च जो पीसी थी, उसे मिक्स करेंगे। हमने जो बटर 3 चम्मच लिया है, इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे और बाकी 1 चम्मच ग्रेवी में डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अभी हाफ हम इसमें मैरिनेशन में यूज़ करेंगे, हाफ जब ग्रेवी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। सॉल्ट 1/2 टीस्पून और टू टेस्ट, हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें मेल्ट किया हुआ बटर 2 चम्मच लिया था। अब हम इसमें सॉल्ट को टेस्ट करेंगे। सॉल्ट हमने थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है, तो अब हम इसमें टेस्ट कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें सॉल्ट की और ज़रूरत तो नहीं है। और अब हम इसमें जो हमने चिकन लिया था उसे डालकर इसे 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट करेंगे। आप चाहें तो उसे 15 मिनट भी मैरिनेट करके पका सकते हैं। इन दैट केस हमारा कुकिंग टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। 1.5 घंटा मैरिनेट करेंगे तो इसे लगभग 30 मिनट लगेंगे गलाने में। हमने सारे पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की बजाय अगर आप हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अच्छे से मिक्स होगा। हाथ मैंने धो लिए थे पहले से ही। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चिकन पीसेस के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे 1.5 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसे फ्रिज में रखा था मैरिनेट होने के लिए। लेट्स कुक इट। बचा हुआ बटर और घी हमने ऐड कर लिया है, मेल्ट कर लिया है। इसमें अब हम 1 by 1 चिकन पीसेस ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जब भी आप चिकन पीसेस पैन में सेट करेंगे तो आपका पैन साइज जो है वो बड़ा ही हो, ताकि आपके सारे पीसेस अच्छे से एक ही लेयर में सेट हो जाएं। हमें इन सारे पीसेस को एक साइड से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर पलटने के बाद दूसरी साइड से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही पकाना है। हमने सारे पीसेस एक एक करके इस पैन में एक ही लेयर में
सेट कर दिए हैं। और जो हमारा बचा हुआ मैरिनेशन है इसे हम बाद में ग्रेवी में यूज करेंगे। फ्रेंड्स, दो बातें आपको याद रखनी है कि इसका कवर नहीं लगाना और फ्लेम हाई रखना है, क्योंकि इसके जूसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे और खाने में ये रूखा रूखा लगेगा। हमारा पक चुका है, अब हम इसे फ्लिप करेंगे एक एक करके। फ्लिप करने के बाद हम इसे इक्वल अमाउंट टाइम पे ही बनाएंगे जो हमने पहले 15 मिनट बनाया था। 15 मिनट ही इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। पीसेस पे लाइट से डार्क ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो गए हैं। इसे 15 मिनट पकाएंगे और आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। चिकन हमारा गल चुका है दोनों साइड से। अब हम इसमें बचे हुए मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला, जीरा पाउडर, पहले मैं मिक्स कर गई थी, हमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन गल चुका है इसलिए चमचे को थोड़ा धीरे धीरे ही चलाना है। हमने इसमें लेफ्ट ओवर मैरिनेशन और 1 कप दही डाल दिया है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट भून के दिखाएंगे। भुन चुका है, अब हम इसमें 1 कप मलाई ऐड करेंगे। मलाई हमने दही के साथ इसलिए नहीं ऐड करी थी क्योंकि दही के साथ मलाई फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1 कप मलाई ऐड कर दिया है हमने इसमें। इसे अच्छे से लो फ्लेम पर मिक्स कर लेना है ताकि हमारी मलाई फटे ना। आगे का प्रोसेस अब हम आपको दिखाते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी टेस्ट के हिसाब से सेट करनी है। अब हमें इसमें कोयले का धुआं देना है। कोयला हमें अच्छे से गर्म करना है और इसे घी के साथ धुआं देना है। खोल के देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और चिकन में चारकोल का फ्लेवर भी आ गया है। हमारा अफगानी चिकन रेडी हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप और ग्रेवी रख सकते हैं। हमें थोड़ा ऐसे ही पसंद था तो हमने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखी है। आपको दो बातों का इसमें बहुत ध्यान रखना है, एक तो गैस की फ्लेम हाई रखनी है और आपको पैन का ढकना नहीं लगाना ताकि आपका चिकन का जूस जो है वो मेंटेन रहे और आपका चिकन टेस्टी बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।